तो चैप्टर जो है हमारा उसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है, सेंटर आपको नाम से पता चल रहा है, कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे सेल्स फंक्शन हो गया, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस डिपार्टमेंट को एक मैनेजर हेड कर रहा है, एक मैनेजर उसको ओवरसी कर रहा है, देख रहा है, और उस मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे डिपार्टमेंट को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हो। एक डिपार्टमेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना मैनेजर होता है, ठीक है, और उस मैनेजर को हमने रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, जिम्मेदार ठहराना है उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस का। ऐसे डिपार्टमेंट को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं अकाउंटिंग में, और उसका मकसद ये होता है कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट कर देना है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमने, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हो, कॉस्ट डिपार्टमेंट्स हो, उनमें हमने उनको मतलब स्प्लिट कर देना है, और हर डिपार्टमेंट का जो बंदा होगा ना, जो मैनेजर होगा, उसको हमने पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराना है कि अगर उस डिपार्टमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी या नहीं दी, ठीक है। तो ये पर्पज होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस मैनेजर को जो हमने रिसोर्सेज दी थी उसके अगेंस्ट जो है उसने क्या परफॉर्मेंस की और क्या वो परफॉर्मेंस अच्छी थी या नहीं, तो हम उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, ठीक है। ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाती है, और जो डिपार्टमेंट्स बेसिकली होते हैं जिनमें हम स्प्लिट करते हैं उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हो। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद आगे मूव करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और किन के बारे में हमने बात करनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आप डिवाइड कर सकते हैं तीन डिफरेंट फर्दर कैटेगरीज में। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है वो तीन डिफरेंट फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। पहला होता है कॉस्ट सेंटर, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन में। दूसरा होता है आपका प्रॉफिट सेंटर। तीसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इनके बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। तो ये तीन सेंटर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और इस सेंटर का काम क्या होता है और इस सेंटर के मैनेजर को आपने किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कॉस्ट सेंटर पे, और कॉस्ट सेंटर की हमने बात कॉस्ट क्लासिफिकेशन में भी की थी। कॉस्ट सेंटर जो है कोई सर्विस लोकेशन या कोई डिपार्टमेंट या कोई मशीन, ठीक है, या कोई काम हो सकता है जिसके लिए आप कॉस्ट को सेपरेटली एलोकेट कर सको, एक्यूमुलेट कर सको, ऐसे डिपार्टमेंट को आप कॉस्ट सेंटर कहते थे, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर का जो मैनेजर होगा, कोई भी कंपनी का कॉस्ट सेंटर है, उसके मैनेजर को आपने किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, उस कॉस्ट के लिए कि जो कॉस्ट कंट्रोल कैसा है उसका, जो कॉस्ट हमने उसको एलोकेट की हुई थी, क्या उसी कॉस्ट के अंदर अंदर उसने काम किया है, जो हमने उसको बजटेड टारगेट्स दिए हुए थे उसके अंदर अंदर ही उसने क्या चीजों को लेके चला है या नहीं। तो कॉस्ट सेंटर जो है बेसिकली जो कॉस्ट सेंटर का मैनेजर है उसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कॉस्ट से रिलेटेड। तो कॉस्ट सेंटर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट ओनली, ठीक है, मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट ओनली। कॉस्ट सेंटर का जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कॉस्ट ओनली के लिए, कि जो कॉस्ट के अगेंस्ट उसने कैसा परफॉर्म किया। अब बेसिकली तीन तरह की कॉस्ट की हम बात करते थे, ठीक है, जो बाय एलिमेंट कॉस्ट की हमने क्लासिफिकेशन की थी, कि मटेरियल कॉस्ट होती है, फिर आपकी होती है लेबर कॉस्ट, फिर आपके होते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आप कैसे मतलब देख सकते हो कि यार क्या इस बंदे ने परफॉर्मेंस अच्छी की है या नहीं की। तो आपने फॉर एग्जाम्पल अब मटेरियल को देखना है कि मटेरियल जो है वो क्या मटेरियल कॉस्ट पे से कंट्रोल है या नहीं मैनेजर का। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यार जो मटेरियल है ये कितने एफिशिएंटली ये बंदा इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि मटेरियल जो है वो क्या किस क्वालिटी का है, क्या इसने अच्छा मटेरियल बाय किया है, मतलब जो इसको वो यूज कर रहा है कोई वेस्टेज तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकती हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक बजट सेट किया कि यार इस साल जो है ना मैंने 1000 kg मटेरियल यूज करना है, तो अगर उस बंदे ने ज्यादा मटेरियल यूज किया हुआ तो उसका मतलब है कि हम मैनेजर को कहेंगे कि यार आपको हमने ये बजट दिया हुआ था, टारगेट दिया था, आपने कॉस्ट उस टारगेट से ज्यादा लगाई है। कॉस्ट आपने अगर ज्यादा लगाई है तो इसका मतलब यह है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ना चीजों को देखेंगे, आप देखेंगे कि यार मैनेजर को हमने क्या रिसोर्सेज दिए हैं। जैसे अगर एक फॉर एग्जाम्पल मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट सेंटर है, उसके मैनेजर को हमने ये कहा होगा ना कि यार तुमने जो रॉ मटेरियल है उसको एफिशिएंटली यूज करना है, ठीक है, और एक कॉस्ट के अंदर अंदर, एक बजट के अंदर अंदर, टारगेट के अंदर अंदर तुमने खर्चा करना है मटेरियल पे। इसी तरह जो लेबर है,
लेबर को हम देख सकते हैं कि यार जो लेबर था उसने कैसी परफॉर्मेंस की, ठीक है, क्या लेबर जो है वो जल्दी जल्दी में काम कर रहा था, प्रोडक्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा था, जो हमने टारगेट्स दिए हुए थे उसके अंदर ये परफॉर्मेंस दे रहा था, क्या लेबर छुट्टियां तो नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस को आप कैसे देखोगे, क्या आप देखोगे कि यार कितने जल्दी खर्चे हो रहे हैं, जो टारगेटेड एक्सपेंसेस हैं क्या उससे हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो इस तरह जो है ना आप चीजों को चेक करोगे, आप देखोगे कि यार क्या हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट आपने क्या परफॉर्मेंस दी हुई है। तो ये जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है इसको आप कॉस्ट सेंटर कहते हो, और कॉस्ट सेंटर का मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के लिए ही। कॉस्ट सेंटर की कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दे दूँ तो ये आपको वैसे भी पता होंगी, ठीक है, कॉस्ट सेंटर की जैसे एक मशीन होगी जिसके लिए आप कॉस्ट को सेपरेटली एलोकेट कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट हो गया जिसके लिए आप कॉस्ट को सेपरेटली एलोकेट कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा कोई प्रोडक्ट हो गया, आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में कितना खर्चा जो आ रहा है उससे एसोसिएटेड अगर कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये वही कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन ही है, ठीक है। वो भी कॉस्ट सेंटर की एग्जाम्पल होगी। इवन एक बंदा जो है कंपनी का, ठीक है, एक बंदा कंपनी का, उससे एसोसिएटेड भी अगर आप कॉस्ट को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकती है ना, तो वो भी आपका कॉस्ट सेंटर ही कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक मार्केटिंग डायरेक्टर है, ठीक है, आपका एक मार्केटिंग डायरेक्टर है, अगर आप बता सकती हैं कि यार जो मार्केटिंग डायरेक्टर है उससे एसोसिएटेड कॉस्ट सेपरेटली आप बता सकती हैं, तो वो भी आपका कॉस्ट सेंटर हो सकता है, ठीक है। अब मार्केटिंग डायरेक्टर से एसोसिएटेड क्या कॉस्ट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल उसको आप कोई सैलरी दे रहे हो, ठीक है, सैलरी की कॉस्ट होगी, अगर वो कंपनी की कार यूज कर रहा है, ठीक है, आप उसकी कॉस्ट उस पर चार्ज कर सकते हो कि यार हम इस पर ये खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाकी कोई भी वो एक्सपेंसिस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, जो कंपनी उसके एक्सपेंसिस बेयर कर रही है, तो वो भी मतलब इसी पे आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, एलोकेट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि यार ये इस पे खर्चा हो रहा है। तो एक पर्सन भी जो है ना कंपनी में, वो भी आपका कॉस्ट सेंटर हो सकता है। तो पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर था वो था कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर के मैनेजर को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो कॉस्ट कंट्रोल के लिए, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट के लिए। कोई क्वेश्चन है कॉस्ट सेंटर में तो आप पूछ सकती हैं। इसके बाद जो अगला सेंटर है वो है आपका प्रॉफिट सेंटर। अब प्रॉफिट सेंटर जो है उसका मैनेजर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर है, मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट, यानी कि सेल्स में से या रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट माइनस करते हो तभी तो आपको प्रॉफिट आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट सेंटर होगा उसका जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा रेवेन्यू के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी, ठीक है। मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब सेल्स ही होता है, एंड कॉस्ट बोथ। मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा रेवेन्यू के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी, क्योंकि प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो जो परफॉर्मेंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अगर प्रॉफिट सेंटर है, तो प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा रेवेन्यू के लिए भी, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा बेसिकली कॉस्ट के लिए भी, और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी बन जाता है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। अब प्रॉफिट सेंटर का जो बन पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि प्रॉफिट सेंटर की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर की एग्जाम्पल हो सकती है फॉर एग्जाम्पल कंपनी की सेल्स डिवीजन, ठीक है, जिस चीज का ताल्लुक सेल्स से साथ आपको हो रहा हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये प्रॉफिट सेंटर है, ठीक है। उसके अलावा आप एक सर्विस डिवीजन है, कंपनी की एक सर्विस डिवीजन है और वो आफ्टर सेल्स सर्विसेज देख रही है, ठीक है, कोई सर्विस डिवीजन है और वो आफ्टर सेल्स सर्विसेज देख रही है, एक वो एग्जांपल हो सकती है कंपनी की। देखिए ना मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिफरेंट डिवीजन होती है, तो हमने इसी तरह उनको डिवीजन ही कर रहे हैं, पहले हम कॉस्ट में हमने की है, अब हम प्रॉफिट में कर रहे हैं, ठीक है। कोई आपकी शॉप्स हो सकती है, ठीक है, शॉप्स, एक शॉप है उससे एसोसिएटेड कॉस्ट और रेवेन्यू को देखना, ठीक है, लोकल ब्रांचेस हो सकती हैं, फिर आपकी सेल्स टीम हो सकती है। तो सेल्स से रिलेटेड जो भी डिवीजन होती हैं ना वो मेनली क्या होती हैं, वो प्रॉफिट सेंटर ही होती हैं। और प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा रेवेन्यूज के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी। अगर आपने मतलब आप उसको उससे आप पूछ सकते हैं कि यार इस कंपनी में सेल्स डिवीजन है, सेल्स डिवीजन का प्रॉफिट क्या था, क्या वो टारगेटेड प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली था या नहीं था, ठीक है, रेवेन्यू आपने बूस्ट किया या नहीं किया, कॉस्ट कंट्रोल था या नहीं, तो प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर से ये सारा कुछ पूछा जाएगा। तो ये था आपका प्रॉफिट सेंटर। कोई क्वेश्चन इसमें? थर्ड जो सेंटर है आपका वो होगा इन्वेस्टमेंट सेंटर।
प्रॉफिट सेंटर क्लियर है ना? ये लास्ट है आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब इन्वेस्टमेंट सेंटर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सेंटर है जिसके जिस पे आप जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो इन्वेस्टमेंट्स करने की। ठीक है, कंपनी ने अगर किसी डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर होगा। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आप इन्वेस्टमेंट सेंटर के मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर बेसिकली जो मैनेजर होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर का वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द कंपनी। ठीक है, इसका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं क्या वो ठीक की हैं, क्या इन्वेस्टमेंट से रिटर्न अच्छा आ रहा है। अभी हम ये आगे जाके बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, हम वो रेशियोज के बारे में बात करेंगे, हम वो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर का जो मैनेजर है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, उससे ये पूछा जाएगा कि यार तुमने इन्वेस्टमेंट अच्छी की या तुमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसे रिटर्न हमें क्या सही आ रहा है। तो ये उसको हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। अब ये था हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, कि हम ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और डिवीजन में स्प्लिट कर देते हैं और हर डिवीजन के मैनेजर को हम कहते हैं कि यार तुम इस डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, अब कौन सी डिवीजन हो सकती थी? वो कॉस्ट सेंटर हो सकता था, प्रॉफिट सेंटर हो सकता था, इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकता था। कॉस्ट सेंटर का जो मैनेजर है उसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे कॉस्ट से एसोसिएटेड चीजों के लिए। ठीक है, कि कॉस्ट पे तुमने कंट्रोल रखना है, कॉस्ट एफिशिएंट रहना है। प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? सेल्स या रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेंटर का जो मैनेजर होता है उससे हम इस बारे में पूछताछ करते हैं, हम उसको इस चीज के रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि जो तुमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं कंपनी में उन इन्वेस्टमेंट से कंपनी को रिटर्न क्या आ रहा है। ठीक है, तो उस रिटर्न के हिसाब से हम जो है ये काम करते हैं। अब देखें ये चीज जरूरी क्यों है? ये चीज जरूरी इसलिए है कि कंपनी के लिए आसान हो जाता है मॉनिटर करना और असेस करना परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर की। एक कॉस्ट सेंटर का मैनेजर है, कंपनी उसके सेंटर की परफॉर्मेंस से बता सकती है कि यार हाँ इस सेंटर ने परफॉर्मेंस अच्छी की है, मैनेजर इसलिए रिस्पॉन्सिबल था, अच्छी परफॉर्मेंस की है तो हम इसको बोनस देंगे। इसी तरह प्रॉफिट सेंटर के लिए भी और इसी तरह इन्वेस्टमेंट सेंटर के लिए भी कंपनी सेपरेटली असेस कर सकती है उनकी परफॉर्मेंस को, और क्योंकि आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दी होती है ना। ये बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का। अब हम आगे मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो कि है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या परफॉर्मेंस मेजर्स। अब परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या है उन पे बात करते हैं। अब परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी चीज की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो हम चीजें यूज करते हैं, जो हम फॉर्मूलाज हैं, बेसिकली जो रेशियोज हम यूज करेंगे उसको आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट सेंटर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अब देखिए कॉस्ट में तीन चीज आ जाती है, मैंने आपको बताया मटेरियल कॉस्ट आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी लेबर कॉस्ट आ जाती है और आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। मटेरियल कॉस्ट को मेजर करना जो है ना वो एक बड़ा बड़ा आसान सा तरीका है उसकी परफॉर्मेंस मटेरियल के हवाले से। अगर आपने देखना है क्या तरीका है, आप देख सकते हैं कि यार जो मटेरियल है, जो हमने एक बजट बनाया था कि आपने इस साल इतना खर्चा करना है मटेरियल का, क्या आपने उससे कम खर्चा किया या नहीं? अगर तो आपने कम खर्चा किया इसका मतलब है कि मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको मतलब बेसिकली रिवॉर्ड आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यार जो प्राइस हमने इनको बताई हुई थी कि यार इस प्राइस के अंदर अंदर आपने मटेरियल लेना है, तो क्या उन्होंने उस प्राइस के हिसाब से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी? यानी कि हमने कहा था कि मैक्सिमम प्राइस जो है वो $5 ही होनी चाहिए मटेरियल जो कंपनी खरीदेगा, लेकिन अगर उसने सप्लायर से निगोशिएट करके मैनेजर ने वो चीज $4 में खरीद ली, मतलब मैनेजर ने कंपनी को बेनिफिट दिया। ठीक है, ये मटेरियल की होगी। एक्सपेंसिस मेजर करने का भी आसान तरीका यही है कि जो बजटेड एक्सपेंसिस हैं, जो हमने बजट में बनाए थे कि यार इतने एक्सपेंसिस जो हैं आपने लगाने, खर्च करने, एक्सपेंसेस में आपकी सारी कॉस्ट वगैरह डिफरेंट दूसरे एक्सपेंसेस आ जाते हैं मटेरियल और लेबर के अलावा, आपने इतना खर्चा करना है। अगर तो मैनेजर ने उससे कम खर्चा किया, ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस की। अब लेबर जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए हम रेशियोज यूज करते हैं, और वो रेशियोज आपके सामने ये हैं। ठीक है, पहली रेशियो जो है वो एफिशिएंसी रेशियो है, दूसरी रेशियो जो है वो कैपेसिटी रेशियो है, और जो थर्ड रेशियो है वो है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो, या इसको आप एक्टिविटी रेशियो भी कहते हो। ये मैंने ESA, CAB, VSB इनके जो है ना शॉर्टकट्स लगाए रखे हुए ताकि आपको याद है। अब इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। एफिशिएंसी रेशियो जो है
उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय 100। वर्ड जो स्टैंडर्ड होता है ना, इसका मतलब आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है टारगेट या बजट। ये मतलब होता है इस वर्ड स्टैंडर्ड का। तो एफिशिएंसी रेशियो का एफिशिएंसी रेशियो ये इंडिकेट करती है कि जो मैनेजर है वो आपकी कितनी एफिशिएंट थी एज कंपेयर टू योर टारगेट। जो टारगेट आपको दिया गया था उसके मुकाबले में मैनेजमेंट ने कितने एफिशिएंटली काम किया, परसेंटेज में आती है, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कहते हैं। अब आप इस फॉर्मूला से देख सकती हैं कि ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट का, कि बजट के मुताबिक टारगेट के मुताबिक जो आपने एक्चुअल यूनिट्स बनाए उनमें कितने घंटे लगने चाहिए थे। ठीक है, बजट के मुताबिक टारगेट के मुताबिक जो आपने एक्चुअल यूनिट्स बनाए उनमें कितने आवर्स लगने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल वो आ गया आंसर आपका 100 आवर्स, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ। अब एक्चुअली आपने 120 घंटे लिए, ठीक है, तो 100 आवर्स लगने चाहिए थे और एक्चुअली आपने 120 घंटे लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर आपका बेसिकली आएगा वो आएगा 100% से कम। ठीक है, 100% से कम आएगा, क्यों? क्योंकि नीचे वाली फिगर जो है वो ज्यादा है, ऊपर वाली फिगर कम है। तो अगर आपका आंसर 100% से कम आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपने एफिशिएंटली काम नहीं किया, और आपको नजर भी आ रहा है कि आपको लगने 100 आवर्स चाहिए थे लेकिन आपने 120 घंटे लिए, इसका मतलब ये है कि आपने एफिशिएंटली काम नहीं किया। एफिशिएंसी रेशियो आपको ये बताती है कि मैनेजमेंट ने कितने एफिशिएंटली काम किया, और कैसे बताती है, कंपेयर करती है कि टारगेट के मुताबिक बजट के मुताबिक आउटपुट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, डिवाइड कर देते हैं उसको कितने घंटे लगे, तो आपका मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद अगली रेशियो है कैपेसिटी रेशियो, या जिसके शॉर्टकट में लिखा है सीएवी। देखें एफिशिएंसी, ई से एफिशिएंसी हो गया, एस से स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया, और ए से एक्चुअल आवर्स वर्क्ड हो गया, तो शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हैं। अब अगली रेशियो है कैपेसिटी रेशियो, वर्ड से आपको पता चल रहा है कि कैपेसिटी के बारे में बताती है, कि सिंपली ये आपको ये बताती है कि आपने आपकी कैपेसिटी क्या थी। ठीक है, आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया या कम काम किया, ये आपको कैपेसिटी रेशियो इंडिकेट करती है। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल रेशियो है, इसके अलावा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब कैपेसिटी रेशियो आपको ये इंडिकेट करती है कि आपकी जो कैपेसिटी थी, वर्किंग कैपेसिटी, क्या वो ज्यादा थी या कम थी। ठीक है, कैसे इंडिकेट करती है, सिंपल, या आपने एक्चुअल आवर्स कितने काम किए और बजट ने आपको क्या कहा था कितने काम करने। बजट या टारगेटेड आवर्स अगर आपके 100 घंटे थे और आपने अगर 120 घंटे काम किया, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया। अबव 100% अगर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क किया। और लास्ट जो है आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो है। ठीक है, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो है, नाम जैसे आपको सजेस्ट कर रहा है, वॉल्यूम रेशियो आपको बताती है कि यार जो आपने घंटे लगाए और उस घंटे की वजह से आपने कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, कितने आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस किए एज कम्पेयर टू बजट, तो वो आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो बताती है। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो को आप एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हो। अब प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो का मैंने एक और नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, दो फॉर्मूलाज हैं, एफिशिएंसी रेशियो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन मैं आपको अभी प्रूव करके देता हूँ कि एफिशिएंसी रेशियो जो है, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो यानी कि वीएसवी का मैंने फॉर्मूला लिखा था, एफिशिएंसी रेशियो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशियो। अब एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ईसा ईएसए यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स कैप सीएबी। तो ये वीएसबी आ गया, वीएसबी। अब देखिए ये मैं प्रूव करूंगा आपको, एक्चुअल आवर्स से कट गए तो नीचे क्या बच जाएगा, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो यही फॉर्मूला प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो का भी है, तो हैंस प्रूव हो गया कि आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं और ये आपको टेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है रेशियो, इनमें कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन इन रेशियोज में तो पूछ लें। सही है, अब स्टैंडर्ड आवर का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझना है। देखें स्टैंडर्ड आवर जो होता है ना, स्टैंडर्ड आवर क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर की डेफिनेशन ये है कि
कितने यूनिट्स आप एक घंटे में बना सकते हैं अगर आप नॉर्मल एफिशिएंसी पे काम करें, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर की डेफिनेशन ये है कि वो आउटपुट जो कि नॉर्मल एफिशिएंसी पे काम करने से आप एक घंटे में बनाते हैं, वो आपके स्टैंडर्ड आवर कहलाता है। स्टैंडर्ड आवर की डेफिनेशन है बजटेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ठीक है। जैसे अगर 100 यूनिट्स आपने 10 घंटों में बनाए तो इसका मतलब है पर यूनिट आप 10 यूनिट्स बनाते हैं। अब एक चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड आवर्स का जो स्टैंडर्ड आवर्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है ये मैंने खुद से एक टेक्निक डेवलप किया है, आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपके लिए फायदेमंद आसान है। यहाँ पर जो मैं स्टैंडर्ड आवर यूज करूंगा वो मुझे ये बताता है कि एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, ठीक है, एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं। जबकि जो वैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड आवर की डेफिनेशन वो ये है कि एक घंटे में आप कितने यूनिट्स बना सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूलाज में मैं यूज करूंगा उसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट जो है वो कितने आवर्स में बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं वो ये चीज यूज करूंगा, तो ये डिफरेंस आपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है मैं भी आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने बात बोली है ये आपको समझ आई है, ये जो फॉर्मूला है इसमें स्टैंडर्ड आवर का मतलब ये होता है कि एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, और वैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड आवर का मतलब ये होता है कि एक घंटे में आप कितने यूनिट्स बनाते हो नॉर्मल एफिशिएंसी पे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज मैं क्यों मैंने टेक्निक ये की है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, डाटा दिया हुआ है, एफिशिएंसी कैपेसिटी और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो निकालनी है। अ कंपनी बजट्स टू मेक 40,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इन 4,000 आवर्स। ईच यूनिट इज बजटेड टू टेक 0.1 आवर्स इन अ ईयर। एक्चुअल आउटपुट भी दिया हुआ है और एक्चुअल आवर्स भी दिए हैं। सबसे पहला जो मेरा फॉर्मूला है वो एफिशिएंसी रेशियो का है, और एफिशिएंसी रेशियो का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, ईसा होता है, ईएसए। ईएसए से आपको याद आ जाएगा कि ऊपर आएगा स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, ईसा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ स्टैंडर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड आवर का कि टारगेट के मुताबिक बजट के मुताबिक होता है। तो इस सवाल में उसने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक यूनिट को बनाने में जो है ना हमारा टारगेटेड टाइम ये है कि 0.1 आवर्स लगने चाहिए, बजटेड या टारगेटेड टाइम एक ही मतलब होता है। लेकिन स्टैंडर्ड आवर जो फॉर्मूला में यूज होते हैं ना उसको आप वैसे भी यूज निकाल सकते हो। कैसे? आप सिंपली आवर्स को यूनिट से डिवाइड कर दो, 4,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स, ठीक है, तो 0.1 आ जाता है। तो आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। ये जो मैं अपने फॉर्मूलाज में जो मैं यूज करता हूँ ना कि एक यूनिट को बनाने में कितना आवर लगता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी मैंने क्यों किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड आवर जो है मुझे पता चल गया 0.1 है, और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई थी, 4,180 आवर्स। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक टारगेट के मुताबिक एक यूनिट को बनाने में मुझे 0.1 आवर लगना चाहिए था, और मैंने सॉरी यहाँ पर 38,000 मैंने लेना है, और मैंने एक्चुअल 38,000 यूनिट्स बनाए, ठीक है, प्रोडक्शन आएगी। हम बजट के मुताबिक टारगेट के मुताबिक स्टैंडर्ड जो टाइम मुझे लगना चाहिए था वो 0.1 था पर यूनिट, और मैंने 38,000 यूनिट्स बनाए। उसको मैं डिवाइड कर दूंगा कि एक्चुअल आवर्स मैंने कितने वर्क किया, 4,180। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो 38,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दे देगा मुझे 3,800 के एक्चुअल जो मैंने यूनिट्स बनाए वो मुझे बजट के मुताबिक इतने आवर्स में बनाने चाहिए थे, और मैंने एक्चुअल इतने आवर्स लिए हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, आपके पास आ जाएगा आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, तो 3,800 डिवाइडेड बाय 4,180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मुझे दे देगा 90.9%, यानी कि 91%। आंसर इसका 100% से कम है। इसका मतलब यही है कि आपने मतलब एफिशिएंटली काम नहीं किया, ठीक है। आपको टारगेट के मुताबिक बजट के मुताबिक 3,800 घंटे लगने चाहिए थे लेकिन आपने ज्यादा घंटे लिए, तो ये आपका स्टैंडर्ड एफिशिएंसी रेशियो आ गया। अब मैं आपको जो स्टैंडर्ड आवर की दूसरी चीज थी वो मतलब वो कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड आवर का वैसे मतलब ये होता है कि आपने एक जो यूनिट एक घंटे में कितने यूनिट्स आप बना सकते हैं। अब मैं उस तरीके से करता हूँ। अब यहाँ पर 4,000 आवर्स हैं और 40,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड आवर में अगर निकालूं एक घंटे में आप कितने यूनिट्स बना सकते हैं, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा 10, ठीक है, 10 यूनिट्स पर आवर। ये मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड आवर की डेफिनेशन है। 10 यूनिट्स पर आवर आ गया, ये स्टैंडर्ड के मुताबिक टारगेट के मुताबिक बजट के मुताबिक आपको एक घंटे में 10 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, और आपने अगर 38,000 यूनिट्स बनाए तो आपको कितने आवर्स लगने चाहिए थे, तो 38,000 यूनिट्स को
आप डिवाइड कर दें 10 के साथ तो आपका 3800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टिल आंसर जो है ना आपका 3800 आवर्स ही आ रहा है, ऊपर यही आंसर भी आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा आपका टाइम लग जाएगा, सही है, इसमें आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम सेविंग पर्पस के लिए जो है ना, जो फॉर्मूला में स्टैंडर्ड आवर है ना, उसका मतलब आपने ये अज्यूम करना है कि एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं। उससे ये होता है ना कि सिंपली आप एक ही फिगर से जस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। ये बात जो मैंने की है आपको समझ आई है। वैसे जो स्टैंडर्ड आवर अगर क्वेश्चन में वो पूछता है किट में एग्जाम में, तो उसका मतलब यही होता है कि पर आवर, एक आवर में आप कितने यूनिट्स बना सकते हो, उसका ओरिजिनल मीनिंग यही होता है, ठीक है। लेकिन फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन जो फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं उसमें आपने ऐसे करना है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बता दिया। तो ये हमारा आ गया पहले पहली रेशो। अब दूसरी रेशो कैलकुलेट करते हैं। दूसरी रेशो है कैपेसिटी रेशो, और कैप है उसका शॉर्टकट, यानी कि CAB, इससे आपको याद हो जाएगा उसका फॉर्मूला। तो कैपेसिटी रेशो जो है वो निकालने के लिए मुझे एक्चुअल आवर्स वर्क को डिवाइड कर देना है बजटेड आवर्स वर्क के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। एक्चुअल आवर्स जो आपने काम किए हैं वो 4180 हैं, और बजटेड आवर्स जो हैं वो 4000 आवर्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा। तो 4180 डिवाइडेड बाय 4000 देन मल्टीप्लाई बाय 100 104.5%, यानी कि 4.5% जो मैंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया। तो कैपेसिटी रेशो आपको यही इंडिकेट करती है। अब लास्ट रेशो जो है वो है VSB या प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो जिसको आप कहते हैं, तो एक्टिविटी रेशो भी इसको कहते हैं। वॉल्यूम रेशो फॉर्मूला से क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स VSB है, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 3800, तो दोबारा करने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 3800 है, बजटेड आवर्स जो हैं वो हैं आपके 4000, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो 3800 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर आपके पास आ जाएगा 95%, ठीक है 95%। और वॉल्यूम रेशियो ये इंडिकेट करती थी कि आपने वॉल्यूम जो यूनिट्स बनाए, ठीक है, वो क्या ज्यादा बनाए या कम बनाए। तो आपने 95% का मतलब ये है कि 5% कम बनाए, और आपको नजर भी आ रहा होगा बजट में 40,000 यूनिट्स थे और 38,000 यूनिट्स आपने यूनिट्स एक्चुअल बनाए। वॉल्यूम रेशियो आपको ये बताती है। तो ये तीन रेशियोज थी हमारी। वॉल्यूम रेशियो का मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी, आप वो भी प्रूव कर सकती हैं वॉल्यूम रेशियो यहाँ से भी। एफिशिएंसी रेशियो का आंसर था 91%, फिर उसके बाद जो कैपेसिटी रेशियो था उसका आंसर था आपका 104.5%। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप 91% यानी कि 0.91 मल्टीप्लाई करें उसको 0.1045, और जो आंसर आपके पास आएगा उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 95% ही आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आपने कैलकुलेटर पे देखना है, 91% एफिशिएंसी थी तो 0.91 उसको आपने लिख दिया, मल्टीप्लाई आप कर देंगे 1.045, क्योंकि अगर 100% से ज़्यादा है तो 1.045 आ जाएगा, और देन आप अगेन उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 95% ही आएगा आंसर। नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखें फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो था एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशो। अब एफिशिएंसी रेशो का आंसर 91% है ना, तो 91% का मतलब क्या होता है, 0.91% को मतलब होता है 91 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.91 आ गया। अब 104.5% का क्या मतलब होता है, 104.5 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1.045 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.91 के साथ तो आपके पास 0.95 आ जाएगा डेसिमल में, उसको आप अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास 95% आ जाएगा। चेक कर लें कैलकुलेटर पे, ठीक है। ये मैंने इसीलिए यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा है। तो ये आपने जब वर्किंग कर रही हूं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो परसेंटेज को आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो की और कैपेसिटी रेशियो की भी। जब आप अगेन देन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर मैच हो जाएगा। देख लें आपका वैसे भी वॉल्यूम रेशियो का आंसर 95% आया और इससे भी आया,
इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम में हो सकता है कि उसने डाटा ना दिया हो, जस्ट एफिशिएंसी और कैपेसिटी की परसेंटेजेस दी हो, तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर है। लेबर रेशोज, लेबर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये तीन रेशोज हैं। स्टैंडर्ड आवर क्या होता है और ये बस कॉन्सेप्ट है इसमें। सही है। अब अगले आगे मूव करते हैं। कॉस्ट सेंटर में यही तीन चीजें थी। ठीक है, कॉस्ट सेंटर में मैंने आपको बताया कि मटेरियल और एक्सपेंसेस के तो वैसे ही इंडिकेटर्स सिंपल से होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेबर्स के लिए जो है ना, आपको रेशियोज निकालनी पड़ती है। अब अगली चीज आ जाती है प्रॉफिट सेंटर रेशियोज। ठीक है, जो प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर है उसको आपने असेस करना है, तो वो आप कौन सी रेशियोज या कौन से फॉर्मूलाज या कौन सी जो है ना इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। तो तीन इंडिकेटर्स हैं आपके सामने लिखे हुए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि यार ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। उसके लिए यहाँ पर मैंने आपके यहाँ पर जो बिल्कुल राइट पे मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई हुई है, ये आप बात पढ़ेंगी, आप F2 में पढ़ेंगी, F3 में पढ़ेंगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मैंने आपको बनाई है कि प्रॉफिट्स जो है ना कैसे आप कैलकुलेट करते हो किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्स में से आप COS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, या आप इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, COS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो आंसर आता है उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, या इनको अदर एक्सपेंसेस भी बोलते हैं अदर देन सेल्स एक्सपेंसेस, जब आप ये डिडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या PBIT। PBIT का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर क्वेश्चन में उसने आपको प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए कहा हुआ है तो आप PBIT भी ले सकती हैं, और अगर उसने परसेंटेज दी हुई आप वो भी यूज कर सकती हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब आप इंटरेस्ट और टैक्स की कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है, और उसको आप नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप बाकी एक्सपेंसेस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, और उसमें से जब आप इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करते हो तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये बिल्कुल ये टर्मिनोलॉजी जो है ना आपने बस ध्यान में रखनी है। एग्जाम में MA1 लेवल पे कोई इतनी ज्यादा आपको कॉस्ट देगा नहीं, जैसे अभी एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की जगह वो बस जस्ट अदर एक्सपेंसेस का वर्ड यूज करते गए, दैट्स इट। ज्यादा आपको ज्यादा डीपली इस चीज पे टेस्ट नहीं होगा। खैर, आप रेशियोज देखते हैं। सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको ये बताता है कि जो आपने सेल्स की है, जो चीजें आपने बेची हैं, उन चीजों के अगेंस्ट आपने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स डिडक्ट करनी है। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको बताता है कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट ये है प्रॉफिट फॉर द ईयर, जब सब कॉस्ट आप माइनस कर देते हो ना उसके बाद जो आता है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको ये बताता है कि जो आपने अपने सेल्स रेवेन्यू कमाया है उसका कितने परसेंट जो है ना आपका नेट प्रॉफिट था या प्रॉफिट फॉर द ईयर था। और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको ये बताता है कि जो सेल्स रेवेन्यू है आपका उसके अगेंस्ट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉफिट सेंटर की तीन रेशियोस। ले रही है प्रॉफिट सेंटर रेशियोस। इसके बाद इन्वेस्टमेंट सेंटर रेशियोज आ जाती हैं, लास्ट सेंटर जो है रेशियोज। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो है वो मैंने लिखी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आप बस ये ज्यूम कर लें कि इन्वेस्टमेंट जो कंपनी में आप कैपिटल या पैसा लगाते हो उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न क्या मिलता है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट PBIT का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ये बताता है कि जो आपने कैपिटल कंपनी में लगाया, जो पैसा कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, जो कंपनी में आपने फंड्स लगाए, उसके अगेंस्ट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। ठीक
ठीक है, इसको आप आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो मतलब आपको पता है क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है कि आपने कितना कैपिटल लगाया है। अब कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल जो आपके एसेट्स होते हैं जिसमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों आते हैं, ठीक है, आपने FA1 में पढ़ा होगा, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट दोनों आते हैं टोटल एसेट, और उसमें से आप जब करंट लाइबिलिटीज माइनस करते हो तो आपका कैपिटल इंप्लॉयड आ जाता है। अब करंट एसेट माइनस कैपिटल करंट लाइबिलिटीज को जो है ना आप नेट करंट एसेट भी कहते हो, ठीक है, नेट करंट एसेट। तो दूसरा फॉर्मूला कैपिटल इंप्लॉयड का ये भी हो सकता है कि नॉन करंट एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट्स, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ये भी दे सकता है। तो कैपिटल इंप्लॉयड के फॉर्मूला आपके सामने, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज यानी कि NCA प्लस CA, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और CA माइनस CL यानी कि करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज आप माइनस करो तो उसको आप नेट करंट एसेट्स भी कहते हो, एक और फॉर्मूला ये भी बन जाता है इससे, ठीक है, डिराइव हो जाता है। ये फॉर्मूला जस्ट आपको पता होना चाहिए। आसान हो रही है। अब रिज्यूम करते हैं, जो अगली हमारी रेशियो है या परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो है रेजिडुअल इनकम। अब देखें जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ना उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, यानी कि आपका आंसर परसेंटेज में आता है। तो परसेंटेज में आपको बताएगा क्या जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, जो कैपिटल एम्प्लॉय की है उसके अगेंस्ट आपने क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमाया है। अब इसके बाद दूसरा इंडिकेटर है इन्वेस्टमेंट सेंटर के मैनेजर की परफॉर्मेंस को असेस करने का, वो है रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम जो है वो आप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। PBIT यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप देखें, अगर आपको फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट दिया उसने और नेट प्रॉफिट दिया हो, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल अगर उसने आपसे पूछा हो कि आप ने रेजिडुअल इनकम निकालने है, तो नेट प्रॉफिट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज जो होता है वो मोस्टली PBIT होता है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही होता है। तो PBIT में से आप माइनस करते हो, सी का मतलब वही कैपिटल इंप्लॉयड है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो इंटरेस्ट परसेंटेज के साथ, ठीक है, यानी कि कैपिटल इंप्लॉयड को इंटरेस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हो, जो आंसर आता है उसको आप PBIT में से माइनस करते हो तो आपके पास रेजिडुअल इनकम आता है। अब ये इंटरेस्ट हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखें कंपनी का जो कैपिटल होता है ना, अब वो कैपिटल कहाँ से आता है, कंपनी में पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होती है कहाँ से करते हैं, या तो वो लोन लेते हैं, ठीक है, लोन जो लेते हैं लोन के अगेंस्ट आपको क्या देना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, सूद देना होता है। तो जो रेजिडुअल इनकम है वो आपको डॉलर्स वैल्यू में फिगर्स में बताती है कि एक प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप कितना कमाओगे, इसीलिए आप उसको इंटरेस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आपको पता हो कि यार जो मेरा इन्वेस्टमेंट लगी है, पैसा लगा है, उसमें से कुछ हिस्सा जिन लोगों से मैंने लिया है उनको मुझे देना पड़ेगा, और वो हिस्सा ये इंटरेस्ट परसेंटेज रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए आप वो हिस्सा भी इसमें से जो है ना डिडक्ट करते हो। कैपिटल इंप्लॉयड को पहले उस इंटरेस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हो और देन जो है ना आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इसको माइनस करते हो तो आपके पास रेजिडुअल इनकम आ जाती है। जैसे अगर आपने $1,000 का प्रॉफिट कमाया जिसमें से 400 आपने देना है, तो इसका मतलब ये है ना कि जो रेजिड्यू है वो आपका बच गया, वो कितना है, $600, ये रेजिड्यूअल इनकम कहलाता है। ये बात क्लियर है रेजिड्यूअल इनकम की, कोई क्वेश्चन है आपका रेजिड्यूअल इनकम? सही है। और लास्ट जो है आपकी वो है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो जो है उसका फॉर्मूला आपके सामने है, रेवेन्यू या सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। एसेट टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि जो $1 की कंपनी में आपने कैपिटल लगाया या इन्वेस्टमेंट किया उसकी अगेंस्ट आपने कितनी सेल्स कमाई है, ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि जो रेवेन्यू आपने कितना कमाया है अगेंस्ट द कैपिटल इंप्लॉयड, $1 जो कंपनी में इंप्लॉय किया गया, इन्वेस्ट किया गया, उसके अगेंस्ट आपकी सेल कितनी है, ये एसेट टर्नओवर रेशियो कहलाता है। अब एक और यहाँ पर फॉर्मूला है ROCE का, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर। तो देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इसका था ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आप कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। और एसेट टर्नओवर का मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया कि सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, सेल्स सेल से कट गई, पीछे बच गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, तो ये यही आ गया ना ROCE का फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई बाय 100 भी यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ROCE का बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो का बताया था ना,
ऐसे आप एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आरओसी ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है, ये चीज क्लियर है। ये चीज क्लियर है लास्ट जो है आरओसी की वर्किंग कैसे हमने की, सही है। अब लास्ट चीज है और उसके बाद मैं फिनिश करता हूँ, कंट्रोलेबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। कंट्रोलेबिलिटी प्रिंसिपल है एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ जुबानी थ्योरेटिकल, या आप अपने पास नोट हमेशा कर दीजिएगा। कंट्रोलेबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एक मैनेजर है ना किसी भी डिवीजन का, जो मर्जी डिवीजन है, उस मैनेजर को आपने सिर्फ और सिर्फ उसी कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना है जो उसके कंट्रोल में हो। जाहिर सी बात है, आपने अगर एक बंदे पे कोई जिम्मेदारी लगाई है तो आप उसको उसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराओगे ना यार, जो चीज उसके कंट्रोल में है, जिस चीज को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जो चीज वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, उस चीज को जो है बेसिकली उसके लिए तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते ना। ये कंट्रोलेबिलिटी प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि आपने जो भी मैनेजर है किसी भी डिवीजन का, उसकी परफॉर्मेंस को अगर आपने असेस करना है, उसकी परफॉर्मेंस को आपने मेजर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलेबल चीजों पे ही करना है, ठीक है। वो चीजें जिनको ये जो उसके कंट्रोल में होती हैं। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट और इसके साथ ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। अब जो नेक्स्ट जो है ना, हम डिस्कस करेंगे इसकी पीपीपी किट के क्वेश्चंस।